और अब चलते हैं एक मुलाकात की तरफ और मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने बेटी के तौर पर अपने वालिद की खिदमत की, तालिबा की हैसियत से उनकी शेरी तख्लीकात को तहकीक व तालीफ का मौजू बनाया और एक शायरा के तौर पर उन्हीं से इस्लाह ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उर्दू के अनोखे और अलबेले शायर मरहूम कैफ भोपाली की दुख्तरे नेक अख्तर डॉक्टर परवीन कैफ की। अपने वालिद कैफ भोपाली की शेरी मीरास को आगे बढ़ाने वाली डॉक्टर परवीन खुद एक मारूफ शायरा हैं। इन्हें कैफ भोपाली की शेरी तख्लीकात पर तहकीकी मकाला लिखने के लिए पीएचडी की डिग्री से सरफराज किया गया। डॉक्टर परवीन कैफ से हमारे नामानिगार संदीप सिंह ने मुलाकात की। नाजरीन आदाब, आज हमसे मुखातिब हैं मारूफ शायर कैफ भोपाली की दुख्तर डॉक्टर परवीन कैफ, जिन्हें लिखने का हुनर विरसे में अपने अब्बा से मिला। इनसे तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र कैफ साहब की जिंदगी पर। तुझे हम वली समझते जो ना वादा ख्वार होता। ख्वाजा मोहम्मद इदरीस यानी कैफ भोपाली की शख्सियत कुछ इसी कैफियत की थी। 1917 में पैदा हुए कैफ भोपाली ने किसी कॉलेज से कोई बाजाब्ता डिग्री तो हासिल नहीं की, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से वो कमाल हासिल किया जो बहुत कम के हिस्से में आया। कैफ परदेस में मत याद कर अपना मकान। कुरान के कई पारों का मंजूम तर्जुमा करने वाले कैफ भोपाली मुशायरे के मकबूल तरीन शायरों में थे। उनका पहला शेरी मजमुआ शोलाए हर्फ 1957 में शाया हुआ, जिसकी बड़ी पजीराई हुई। उनकी गजलों को कई मारूफ गुलकारों ने अपनी आवाज दी और शोहरत पाई। इसके अलावा कुए बुता को भी लोगों ने खूब सराहा। उन्होंने कई फिल्मों के लिए नगमे लिखे जो बहुत हिट हुए। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम तैयार चलो। भले ही कैफ भोपाली आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी गजलें उनके नगमे अब भी लोगों के जहनों दिल में धड़कते हैं। परवीन जी, हमें ये बताइए कैफ साहब उर्दू शायरी के बारे में क्या कहा करते थे? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि उनके अशआर आज भी लोगों की ज़बान पर हैं और लोगों को याद भी हैं और असर भी करते हैं, तो उसकी यही सबसे बड़ी वजह है। तो वही चाहते थे कि शायरी आम ज़बान में करना चाहिए और जज्बातों पे ज़्यादा जोर होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, सच्चाई के बहुत करीब हो शायरी और जो आम लोगों की समझ में आ जाए। अगर उसमें हम मुश्किल अल्फाज लाएंगे तो लोगों की समझ में नहीं आएगी। यही वजह है कि वो अवामी शायर कहलाए और उनकी नज़में और उनकी गज़लें एक रिक्शा वाले को भी याद होंगी और वो भी शौक़ से सुनता था जितना कि एक ख़ास आदमी सुनता था, उतना एक आम आदमी भी उन्हें सुनकर पसंद करता था और उसे अच्छी लगती थी। कैफ साहब की वो कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा याद आती है? देखिए, यूँ तो वो मेरे आइडियल थे और मुझे उनकी एक एक बात ही याद आती है। उनकी एक तो सादगी बहुत थी उनमें, कि उन्होंने कभी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझा। कहीं भी गए हैं तो वो बड़े लोग अगर उन्हें बुलाते थे, कालीन हैं, मोटे मोटे गद्दे हैं, बिस्तर हैं, उस पर उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इसके अलावा वो किसी भी दुकान में किसी भी उनके जो फैन होते थे वो बुला लेते तो उनके पास जाके ज़मीन में एक चादर बिछा के नीचे सो जाया करते थे, उनको ये अच्छा लगता था। खाने पीने भी उनके बहुत से शौक़ नहीं थे, खिचड़ी उन्हें बहुत पसंद थी, खिचड़ी खा लिया करते थे। तो उनकी यही जो छोटी छोटी, फिर घर में भी वो हम लोगों को यही कहते थे कि ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं बताऊँ कि मैं बहुत छोटी थी उस ज़माने में, लता मंगेशकर ने मजरू सुल्तानपुरी की बेटी की शादी में हीरे का सेट दिया था। तो मैंने अब्बा, कोई पेपर में आई थी ये बात, तो मैंने अब्बा से कही कि अब्बा जी ऐसा, उन्हें बहुत बुरा लगा कि बेटा उन्होंने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहुत सी बातें मुझे बताई और फरमाया कि जानती हूँ उनको जहेज मिला था, क्या जहेज मिला था। और बहुत देर तक मुझे समझाते रहे, जब मैं समझ में आया मेरी, तो उनकी बस ये सादगी जो थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। कैफ साहब की फिल्मी ज़िंदगी से रूबरू कराइए। देखिए, वो बहुत पहले उन्हें कमाल साहब ने बुलवा लिया था, यहाँ जो जीनत अमान के वालिद थे अमान साहब, वो उन्हें ले गए थे फिल्मी दुनिया में और वहाँ उन्होंने फिल्म बागीचा के गीत लिखे। पहले उन्होंने एक फिल्म थी
उसका गाना था फिल्म मान, उस फिल्म में गीत लिखे थे। अल्लाह भी है मल्लाह भी है, कश्ती है कि डूबी जाती है, हम डूब तो जाएं लेकिन दोनों ही पे तोहमत आती है, ये उसका शेर था। और फिर उसके बाद पाकीज़ा फिल्म दायरा में गीत लिखा था। गीत क्या था, वो भजन था कि देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। फिर ये पूरा भजन है लता की आवाज़, ये शायद मुबारक बेगम की आवाज़ में है, जी हाँ। और उसके बाद उन्होंने फिल्म पाकीज़ा के गीत लिखे जो बहुत मशहूर हुए, जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं और सुनकर उनमें खो जाते हैं, जिसका मौसम है आशिकाना, या चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हमें तैयार चलो। और उसी से सही मायने में उसी से हजरत के भोपाली की फिल्मी दुनिया में मशहूर और मकबूल हुए। पहले की फिल्मों में उर्दू जुबान का जिस तरीके से इस्तेमाल होता था वो अब धीरे धीरे कम क्यों होता जा रहा है? देखिए कम तो नहीं बल्कि अब तो बिल्कुल ख़त्म ही होता जा रहा है। और अब तो जैसा कि सब लोग जानते हैं 1-2-3 शायरी हो गई है, गिनती में शायरी करने लगे, अब तो पहले धुन बन जाती है उसके बाद शेर कहे जाते हैं, तो ऐसे में शायरी में असर कहाँ होगा। और पहले के अशार और पहले के जो नगमे हैं आज भी लोगों को याद है, और वो बहुत अच्छे होते थे, दिल पर असर करते थे, इसीलिए याद भी हो जाते थे। आज के आप एक लाइन भी याद नहीं हो सकती, लेकिन उसकी धूम बहुत होती है, उसका म्यूज़िक बहुत तेज़ होता है, लेकिन अल्फाज पे और शायरी पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, और इसीलिए मकबूल भी नहीं हो रही शायरी, और फूलपन भी आ गया है उसमें, वो अल्फाज ही नहीं है जो दिल पर असर करें। बस अब ऐसा लगता है जैसे तुकबंदी ही फिल्मों में आ गई है। शेर व शायरी की दुनिया में आपने पहला कदम कब रखा? देखिए हमारे तो घर का माहौल ही शायराना था, लेकिन ये बात थी कि अब्बा जी घर में शायरी नहीं किया करते थे। यूँ तो मैंने पहली गज़ल अपनी लिखी थी 7th क्लास में जब मैं थी, उम्र उस जो भी हो 13-14 साल की जितनी भी हो, तो लेकिन जब मैंने अपने वालिद हजरत के भोपाली को दिखाई तो उनको बुरा लगा, उन्होंने वो गज़ल फाड़ के फेंक दी और कहा कि नहीं तुम शायरी मत करो और इसकी जगह तुम छोटी छोटी कहानियाँ लिखो। लेकिन मुझे शौक़ शायरी का था इसलिए मैं उसी में आगे बढ़ती गई और मैंने किसी को दिखाया नहीं। फिर अब्बा जी ने जब मैं शादी भी हो गई बच्चे भी हो गए उसके बाद जब मैंने उन्हीं का गज़ल का मुखड़ा है तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है तेरे आगे चांद पुराना लगता है, इस पर मैंने गज़ल लिखी और उनको दिखाई तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है इसको पेपर में दे। मैंने भेज दिया, वहाँ से लिखकर आया कि नहीं इसमें कुछ फनी कोताहियाँ हैं, आप कहें तो हम उसको ठीक करके और शाय कर देते हैं। मुझे बुरा लगा कि अब्बा ने उसमें खामियाँ छोड़ दी, तो उनका ये कहना था कि देखो अब तो मैं अच्छा लगा कि लोग ये समझ गए कि तुमने की है ये शायरी, अगर मैं उसको ठीक कर देता तो लोग कहते कि मैंने लिख के दी। और ऐसा आज भी होता है, कई दिन तक मेरे साथ भी यही होता रहा कि मैं उनकी शायरी उनसे करवाती हूँ, उनकी ले कर और मैं खुद पढ़ती हूँ। बहुत दिन के बाद लोगों ने माना कि हाँ मैं खुद शायरी। आप अपनी एक गज़ल सुना दीजिए। एक मेरी गज़ल है उसके शेर सुनिए। दुश्मनों से भी निभाने की अदा लाई हूँ, दुश्मनों से भी निभाने की अदा लाई हूँ, बाप का फैज़ नज़र माँ की दुआ लाई हूँ, और मुझ पे इल्ज़ाम है जन्नत से निकलवाने का, मुझ पे इल्ज़ाम है जन्नत से निकलवाने का, मैं तो जन्नत ही को दुनिया में उठा लाई हूँ, और मैंने सब बेच दिया घर की खुशी की खातिर, मैंने सब बेच दिया घर की खुशी की खातिर, क्या वो मानेगा कि दामन को बचा लाई हूँ, क्या वो मानेगा कि दामन को बचा लाई हूँ, और जितने बच्चे भी मिले शहर में बिन माओं के, ममता देने को आंचल में छुपा लाई हूँ, ममता देने को आंचल में छुपा लाई हूँ, और इसको पीकर कहीं मर जाए न मेरा बच्चा, इसको पीकर कहीं मर जाए न मेरा बच्चा, आज बाजार से डर कर जो दवा लाई हूँ, आज बाजार से डर कर जो दवा लाई हूँ। कैफ बता क्या तेरी गजलों में जादू है, बच्चा बच्चा तेरा दीवाना लगता है। परवीन जी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।